टाइप्स ऑफ मिरर में हम आ जाएं, वन इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव में हम आ जाएं, देखो कॉनकेव या कॉनवेक्स एक स्फेरिकल ग्लास सरफेस की पार्ट होती है, जिसमें कॉनकेव में हम क्या लेते हैं, द इनर सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पर इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो मिड पॉइंट होती है, दिस इज कॉल्ड पोल। द पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर हम इसे कंप्लीट स्फीयर ड्रॉ करें तो इस स्फीयर की जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एक्चुअली दिस इज द पॉइंट। तो हम डिफाइन करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द पॉइंट। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ पॉइंट एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। नेक्स्ट, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जो लाइन पास करेगी, दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम डिफाइन करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट, एक टर्म आता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि लाइक रे इन्फिनिटी से आएगी, और जैसे लाइक यहाँ से रे आ रही इन्फिनिटी से, यहाँ से रे आ रही इन्फिनिटी से, अब प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर आकर ये रे कन्वर्ज कर जाए, डैट पॉइंट दिस इज कॉल्ड फोकस। इज द पॉइंट एट विच द रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड कन्वर्ज ऑन
ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए पॉइंट, तो डैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस इज एफ, और इसकी डिस्टेंस अगर हम पोल से मेजर करेंगे, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। द डिस्टेंस फोकल लेंथ को अगर हम डिफाइन करें, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ इज द डिस्टेंस, और फोकस को हम डिनोट करेंगे तो बिग एफ से, दिस इज द पॉइंट। फोकल लेंथ इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। दिस डिस्टेंस दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अगर हम साइन कन्वेंशन हम यूज करें तो देखो, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इनर है तो ऑब्जेक्ट को कहीं हमें लेफ्ट साइड में ही रखनी पड़ेगी। तो लाइक साइन कन्वेंशन पर आएंगे तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम साइन कन्वेंशन को हम यूज करेंगे। अभी हमने सिंपल कॉनकेव मिरर के लिए हमने डिस्कस किया है, अगर इसी में अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को हम डिस्कस करते हैं, लाइक सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर। सेकेंड दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। इसमें आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज द आउटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर हम इसको कंप्लीट अगर स्फीयर में ड्रॉ करें तो ये स्फेरिकल सरफेस, ग्लास रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आउटर रिफ्लेक्टिंग है मीन्स इनर हमें ओपेक कर दिया। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड पी इज कॉल्ड पोल, दिस सी दिस पॉइंट दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस पॉइंट इसके मिड पॉइंट दिस इज कॉल्ड फोकस। बोथ आर द पॉइंट एंड दिस डिस्टेंस दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। दिस डिस्टेंस दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मीन्स यहाँ तुम देखो तो ऑब्जेक्ट अगर दिस साइड में है बट इसमें इमेज अगर हम कॉनकेव की बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर में बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, बट इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ओनली वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। मीन्स यहाँ पर केवल मैग्नीफिकेशन भी, हम जब मैग्नीफिकेशन को डिस्कस करेंगे तो कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, लेकिन कॉन्वेक्स में केवल मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। इसका रीजन है कॉन्वेक्स में केवल वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव मिरर में बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, सो मैग्निफिकेशन इज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव।